फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो. और आज का जो वीडियो है वो एक अमेज़ॉन हॉल है. और इसमें जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो काफ़ी सारा मिक्स्ड कह सकते हो आप ये है, क्योंकि उसमें मैंने अपने कुछ घर की चीज़ें मंगवाई है, कुछ मैंने अपने यूट्यूब के रिकॉर्डिंग के रिलेटेड कुछ थोड़ा सामान मंगाया है. तो वो कह सकते हो कि ये मिला जुला हॉल है. तो विदाउट टू डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके फ्रेंड्स, ये पहला प्रोडक्ट है जिसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं. तो चलो खोल के देखते हैं ये क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ अपने लिए क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए भी कुछ थोड़ा सामान मंगाया था. तो ओके, सो पैकिंग एज़ यूजुअल अमेज़ॉन की अच्छी होती है. ओके, सो ये जो है, ओके आप देखिए, ये जो है ये लाइट है जो हम अपने मोबाइल पे अटैच कर देते हैं और ये लाइट ग्लो करती है. तो जब आप फ़ोटो खींचते हो या जब वीडियो स्पेशली करते हो तो उस वक्त आपको जो चेहरे पे आपको लाइट चाहिए उसके लिए ये काम आता है. तो ये जो मैंने लिया था, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया था 255 का. और इन्होंने इसको कहा है कि डबल लाइट सॉफ्ट लाइट कलर सेल्फी रिंग लाइट है और इसके तीन मोड है और ये 36 LED के साथ इसमें यूज़ कर सकते हैं हम इसको स्मार्टफोन में. और इसके साथ इन्होंने मुझे ये एक अटैचमेंट दी है जिसको आप अपने फ़ोन के साथ भी अटैच कर सकते हो. मतलब मल्टीपल है कि आप फ़ोन के साथ करके आप अपने डेस्कटॉप के साथ या किसी के साथ भी अगर आपको चार्ज करना है या ऐसा कुछ होना तो इसके साथ ये यूज़ कर सकते हो. ये मुझे अमेज़ॉन का पड़ा था 255 का. तो आई थिंक मैं इसको एक बार यूज़ करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा चल रहा है. एंड लेट्स सी, अब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि मैं इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला. तो ये एक फर्स्ट प्रोडक्ट था जो मैंने लिया था. अब नेक्स्ट ये है, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं. इसमें क्या निकलता है, लेट्स सी. कबाड़ बहुत हो जाता है जब ऐसी किसी सारी चीज़ें हम लेते हैं ना. तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हम लोग इंडियन लोग जुगाड़ वाला काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं. तो जब मैं ढूंढ तो रही थी चाकू पर मुझे चाकू मिला नहीं. तो चलो ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने मंगवाई थी. अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है. ये बेसिकली जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सेल्फी स्टिक नहीं यूज़ करना चाहते हैं. तो जब हमें अपने फ़ोन में किसी चीज़ में अटैच करना होता है और उसको कहीं स्टेबली रखना होता है तो वो नहीं होता है. तो जो कि ये मैंने इसको मंगवाया था, तो ये जो है ये मोबाइल फ़ोन होल्डर है और टैबलेट होल्डर है और ये 360 डिग्री रोटेशन पे घूमता है. तो मैं आपको ये वाला करके बताती हूँ. ये भी मैंने लिया था, ये मेरे को पड़ा था 599 का. ये मैंने अमेज़ॉन से लिया, मुझे अभी तक पता नहीं है, ये जब मैं यूज़ करूँगी तभी मुझे पता चलेगा. तो इसमें इन्होंने मुझे दो दिया है. एक तो आई थिंक ये स्टैंड है जो आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हो, जैसे ये टेबल है, टेबल के साथ कर दिया. या आप इसमें आई थिंक ये भी है चिपकाने वाला है, तो आई थिंक ये एक स्टिक भी हो जाएगा. आप किसी स्टिक ऑन को करते हो तो उसके साथ ये भी अटैचमेंट है. तो मैं आपको बताती हूँ,
इसका है ये यूनिवर्सल मोबाइल फ़ोन होल्डर है, टैबलेट होल्डर भी है ये, और ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये 360 डिग्री घूमता है, और इसका ये मुझे पड़ा था 599 का। तो इसका भी मैं आपको यूज़ करके ही बताऊंगी कि ये यूज़ करने के बाद कैसा है। फ़िलहाल तो मुझे ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसको मुझे बाद में पढ़ के देखना पड़ेगा यार इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसका मुझे मतलब इन्होंने बताया है कि आप इसको ना मतलब टर्न भी कर सकते हो, ये ट्विस्ट भी हो सकता है, पर मुझे फ़िलहाल तो ये किसी एंगल से कहीं से ट्विस्ट होते हुए नज़र आता नहीं है। लेट्स सी, इट्स लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके एनीवे, तो ये मैंने आपको जो बताया ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट था जो मैंने लिया था, वो टैबलेट और फ़ोन होल्डर है, जो कि आपको कभी रिकॉर्डिंग करनी हो या सेल्फ़ी वगैरह लेनी हो या आप कुछ जैसे हम लोग यूट्यूब की वीडियोस अपलोड करते हैं तो ये बेसिकली उसके लिए है। तो अब ये एक छोटू सा पैकेट देखते हैं ये क्या निकलता है। ये थर्ड है, तो ओके हाँ ओके, ये मैंने ग्रीन कॉफ़ी मंगाई थी, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कॉफ़ी है जो मैंने ऑर्डर करी थी, और ये मैं आपको बताती हूँ, ये भी सफोला का है, 55 ग्रीन कॉफ़ी, ये इंस्टेंट मिक्स है, इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, मैंने क्लासिक वाला लिया है, और ये मुझे पड़ा था आपका 215 का, और इसमें 15 सैशेज़ हैं, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, इट इज़ वेरी माइल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, एंड इसमें जस्ट यू हैव टू बॉइल द वाटर और आप इसके सैशेज़ को अंदर डाल दीजिए एंड टू या थ्री मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद यू कैन ड्रिंक इट। सो ये मैंने पहले भी ट्राई किया था एंड आई लाइक इट, सो इसको मैंने सेकेंड टाइम ऑर्डर किया है, तो दिस वॉज द थर्ड प्रोडक्ट की जो मैंने ऑर्डर किया था, जो मैंने लिया था। तो ये आई थिंक आई नो इसमें क्या है, बट लेट्स ओपन इट, पता चलेगा हमको। ये जो है ये है आपका, मैं आपको बताती हूँ, ये वेजिटेबल बैग है, ये देखिए ये है, इसमें तीन है, आप वेजिटेबल स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका पाउच जो आप रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, इसका मटेरियल थोड़ा सा मुझे प्लास्टिक सा भी लग रहा है, आप इसमें ज़िप है तो ये ऐसा है, अंदर से ऐसा है, प्लास्टिक में है एंड ये देखिए वैसा है, और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी आप इसके अंदर वेजिटेबल रख सकते हैं, एंड इसे इन्होंने कहा है कि इट इज़ वॉशेबल, तो आप हर यूज़ के बाद इसको वॉश कर सकते हैं और सुखा के आई थिंक इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जो हम वो प्लास्टिक वाले यूज़ करते थे ज़िप लॉक वाला, उससे ये प्रॉपर ज़िप है, तो आई थिंक ज़िप भी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की ज़िप दी है इन्होंने और साइज़ भी बड़ी है। तो इसमें तीन है, मैंने ये पहली बार जस्ट ट्राई करने के लिए लिया था, मैंने कहा कहते कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा है, और इन्होंने इसमें ये भी कहा था ना कि आप इसको मतलब इट्स लाइक प्लास्टिक में क्या होता है ना कि हम उसको सील कर देते हैं तो उसका मॉइस्चर उसके अंदर ही रह जाता है, तो वो जो मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता, तो कभी कभी वो सब्ज़ियाँ थोड़ी सी कभी कभी हो जाती है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड तो इसमें आपके जो है वो मॉइस्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलता रहेगा एंड आपकी वेजिटेबल जो है वो लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेगी, दैट इज़ व्हाट दे से। सो लेट मी सी, इसको भी मैं एक बार यूज़ करके फिर आपको बताती हूँ कि यूज़ करने के बाद ये कैसे होगा, मैं आपको अपने नेक्स्ट किसी भी एक वीडियो में इसके रिव्यू ज़रूर, आपको यूज़ किया हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दिस वॉज द फोर्थ प्रोडक्ट जो मैंने लिया था एंड आई फाइंड इट गुड, क्वालिटी भी ठीक है एंड बाकी तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो ये था जो वो प्रोडक्ट था, अब जो दूसरा प्रोडक्ट है ये भी खोल के देखते हैं।
ये मैंने अपने बेड के लिए, अपने बेडरूम के लिए चद्दर का सेट मंगाया था। कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, जैसे ही मैंने पिक्चर में देखा था ना, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था। तो अभी भी कलर तो जो मैंने जैसा देखा था वैसा ही है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देखिए ये है, ये कलर है। एंड क्वालिटी भी अच्छी है, कपड़ा अच्छा है, कॉटन में है और अच्छा है। तो ये मैंने लिया था, मैं आपको ये बताती हूँ ये मैंने कितने का लिया था। ये ज्योमेट्रिकल प्रिंट में मैंने लिया था ये वाला। तो इसमें आपके साथ ये प्रॉपर फुल साइज़ बेड के लिए है, और इसके साथ आपको दो पिलो कवर्स भी हैं, और आई थिंक पिलो कवर्स भी काफ़ी बड़े हैं। एज यू कैन सी, आप देखिए साइज़ में पिलो कवर काफ़ी बड़े हैं। तो और इसकी स्टिचिंग भी मुझे अच्छी लग रही है, और ये अंदर वाला भी, ये फोल्ड है, तो ये वाला भी एक बेनिफिट होता है कि आपके जब आप पिलो को डाल देते हैं तो ये फिटेड हो जाता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक मुझे ये पिलो कवर्स बहुत अच्छे लगे जो इसके हैं। लेट्स सी, अब इसकी चद्दर को खोल के देखते हैं। आई थिंक चद्दर भी बहुत अच्छी लग रही है, आप देखिए ये उसकी प्रिंट है, और ये ऐसे आ रही है, ये देखिए ये आपकी साइड्स की है, और ये आपका ऐसे है, ये देखिए आप। तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, आप देखिए, आप ऐसे देखिए, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। बाकी मैं इसको जब अपने बेड पे लगाऊंगी ना, तो फिर आपको बेड के लगा के भी आपको भी पता चल जाएगा ये कि कलर जो जैसे उन्होंने पिक्चर में दिखाया वैसा ही है, बट अब ये रेस्ट बेड में बिछाने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। मैंने दो चद्दर का सेट ऑर्डर किया था, एक ये को ये किया था मैंने, हाँ ये मुझे पड़ा था आपका 389 का, और तो ये एक सेट है बेड का, और एक मैंने और किया था। और एक बात ना आपको मैं बताना चाहती थी कि अमेज़ॉन ने अब इन दिनों ना उनकी पैकेजिंग में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस किया है। तो जब इस बार मैंने ये रिसीव किया तो मुझे अमेज़ॉन की तरफ से ये ऐसे पैकिंग में आया था, ये देखिए इसके अंदर इसी अमेज़ॉन का लिखा हुआ है, बट जैसे बाकियों का मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये ऐसे पैकेट में आया था, तो वो ये वाला ऐसे पैकेट में नहीं आया था। तो मैंने जो डिलीवरी बॉय था, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि ये ऐसा क्यों है, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि मैम कभी कभी क्या होता है कि जो रिफ़ंड का चक्कर हो जाता है आजकल, तो लोग बोलते हैं कि हमने जो ऑर्डर किया था वो नहीं निकला। वो क्यों होता है कि जब वो खोलते हैं तब उनको पता चलता है कि जो हमने ऑर्डर किया था ये तो वो वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें वापस दोबारा आना पड़ता है कि पिकअप करने के लिए एंड ऑल। तो फिर ये क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर बाहर से आप खुद ही देख सकते हो कि जो आपने प्रोडक्ट की ऑर्डर किया था ये वही वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये वो प्रोडक्ट नहीं है तो यू कैन रिफ़ंड इट साथ साथ ही, तो उनका डबल चक्कर नहीं होता। वो कहता है हमें चक्कर भी दोबारा नहीं करना पड़ता और आपको भी वेट नहीं करना पड़ता, तो आप भी साथ साथ ही उसको देख के उसको रिफ़ंड कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दो कि मतलब जैसे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आप मार्केट से लाए हैं वैसा ही है। बट जो इन्होंने बताया कि रीज़न क्या था कि जिस क्यों इन्होंने ऐसे पैकिंग किया, वो मुझे अच्छा लगा। तो चलिए मैं इसको खोल के देखते हैं कैसा है। पैकिंग तो वैसी ही है जैसे हम बाहर से लेते हैं, तो वैसा ही है। एंड इसमें भी दो बेड कवर्स है, आप देखिए ये भी काफ़ी साइज़ में बड़े हैं, आप देखिए ये, आप देखिए इसको, इसकी भी साइज़ अच्छी है, और इसमें भी वैसे ही अंदर ऐसे ही फोल्डेड वाला दिया हुआ है। तो जो अच्छा होता है कि आप अगर बड़ा तकिया डाल रहे हो तो ये अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाता है। और अगर क्वालिटी की मैं देखूं, कपड़े की क्वालिटी के बारे में आपको बात करूं, तो आप देखिए मुझे तो क्वालिटी अच्छी लगी है। रेस्ट इसको जब एक बार बिछा के, आई थिंक जब हम इसको ना एक बार हम वॉश कर लेंगे तब इसका रियल टेक्सचर पता चलता है कि ये कपड़ा कैसा है एंड ऑल, बट देख के तो मुझे सच में अच्छा लगा है। तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लाइक नॉर्मली ब्लूज़, पिंक्स, वाइट, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने पिक्चर में भी देखा था तब भी मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये लिया था। मैं आपको इसका कॉस्ट बताती हूँ, इसका कॉस्ट था आपका
ये मुझे पड़ा था 699 का, ये पूरा सेट मुझे 699 का पड़ा था। तो भी करते हैं, ये पूरे में सेम कलर ही है, मतलब जैसे उसमें आपने देखा कि दो था, बट इसमें पूरा सेम ही है। और साइज़ भी आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी है, ये उल्टा है, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप, तो ये ऐसे में आ रही है, आप देखिए इसको, कलर अच्छा है। कभी कभी मतलब हम लाइट कलर से जब बोर हो जाते हैं ना, तो ये थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन था लाइट एंड डार्क के मिक्स का था। तो जैसे थोड़ी सी गर्मियाँ जाती है एंड इन बिटवीन बिफोर द विंटर्स, आई थिंक दिस इज़ अ नाइस कलर कि जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेड के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैं नॉर्मली अमेज़ॉन से ये सारी चीज़ें कभी ऑर्डर नहीं करती, कपड़े वगैरह का एंड ऑल, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कभी कभी कहा है कि पता नहीं क्वालिटी कैसे निकलेगी, हम बाज़ार जाते तो देख के लेते हैं एंड ऑल। तो दिस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, एक बार अमेज़ॉन से ट्राई करके ही देखते हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अमेज़ॉन ने मुझे निराश नहीं किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी। कि आपने मतलब देखा जाए तो इट्स वेरी स्मूथ, आप बेड पे भी बिछाओगे तो मुझे तो बहुत सॉफ्ट सा फीलिंग हो रही है। तो आई थिंक ये था, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो यही था आज का मेरा अमेज़ॉन का हॉल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई होप कि आपको भी ये हॉल पसंद आया होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आज अमेज़ॉन वाली अनबॉक्सिंग की है, बिसाइड्स वो जो मैंने आपको बताया क्या कहते हैं मोबाइल का क्या कहते हैं स्टैंड, वही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, आई हैव टू गो थ्रू इट, मुझे समझना पड़ेगा कि वो क्या है। रेस्ट जो भी मैंने चीज़ें ऑर्डर करी हैं, आई थिंक मेरे सोच के मुताबिक ही आई है, जो मैंने सोचा था कि जैसी चीज़ निकलेगी वैसी ही निकली है। तो आई थिंक आपको भी ट्राई करना चाहिए, एंड आई होप कि आप लोगों को ये हॉल पसंद आया। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसमें कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब के बटन के साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको ज़रूर से क्लिक करिए, नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आप उसका और तुरंत के तुरंत देख पाए। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड लव यू।